हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। वेलकम टू द यूनिट मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यूनिट को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मनी का पोर्शन ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट बैंकिंग। तो सीधे मैं टॉपिक पे आता हूं। बैंकिंग, देखिए, बैंकिंग का मतलब होता है इट्स अ फंक्शन विच इंक्लूड्स टू स्टेजेस। क्या क्या? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है? लेंडिंग ऑफ लोन्स। यानी सिंपली अगर हम इसको समझे तो बैंकिंग का मतलब होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। पब्लिक मतलब हम आप सारे लोग पब्लिक हो गए। पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और उसी पैसे को लोन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लोन, फर्म्स को और दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बैंकिंग का फंक्शन है। मैं रिपीट करता हूं, बैंकिंग मतलब क्या हो गया? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम सच डिपॉजिट्स टू द नीडी पब्लिक और टू द नीडी फर्म्स। बात समझ गए? एक हाथ से पैसा लो और दूसरे हाथ से पैसा दो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये बताइए, मैंने किसी से 100 रुपया लिया और दूसरे को 100 रुपया दे दिया, इसमें हमें फायदा कहां है? ये जरूर मैं बताऊंगा कि इसमें फायदा कहां है, कैसे है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग को डिफाइन कैसे किया गया है। तो देखो, बैंकिंग का मतलब होता है, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड। जो मैंने आपको बताया वही उसमें लिखा हुआ है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करो पब्लिक से और फिर उसको लेंड करो। लेंड मतलब लोन देना। किसे? नीडी फर्म्स एंड नीडी पीपल को। और उसमें एक चीज जोड़ दिया गया, ये देखिए, रीपेबल ऑन डिमांड। व्हाट डज इट मीन रीपेबल ऑन डिमांड का सर मतलब क्या है? यानी जो पब्लिक जो पैसा वहां डिपॉजिट करेगा बैंक में, अगर जब भी वो डिमांड करेगा पैसा तो बैंक को देना पड़ेगा, है ना। अब आप पैसा जमा करते हो बैंक में तो आपको जरूरत तो पड़ती है पैसे की, तो बीच में जरूरत पड़ गई तो आप एटीएम से निकाल लेते हो, आप चेक के थ्रू निकाल लेते हो, तो तब बैंक कहेगा नहीं भैया आज तो पैसा नहीं है, आप कल आइए। ऐसा कभी सुने हो? कभी नहीं। तो ये बैंकिंग फंक्शन का मैंडेटरी फंक्शन है कि अगर आप डिमांड करोगे तो बैंक्स को आपको पैसा देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताऊं, देखिए, बैंक्स जो है ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक। नंबर वन इज कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, कमर्शियल बैंक्स, आप अपने आसपास जितना भी बैंक्स देखते हो, अपने आसपास आप जितना भी बैंक्स देखते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, थर्डली आप ले लो यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये जितना भी बैंक्स आप देख रहे हो सब कमर्शियल बैंक है। और सेंट्रल बैंक केवल एक ही होता है और वो कौन सा है? वो है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो एक ही होता है। लेकिन कमर्शियल बैंक ढेर सारा होता है, आप जिधर भी नजर घुमा लो चारों तरफ आपको कमर्शियल बैंक, जो बैंक दिखता है वो कमर्शियल बैंक है। समझ गए बात? अब दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है, आगे बढ़ने से पहले ये डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो, कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाना, फायदा, फायदा, सिर्फ फायदे के पीछे भागता है कमर्शियल बैंक्स, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। और जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन मोटिव होता है टू हेल्प दी सोसाइटी, है ना, सोसाइटी की मदद करना, समाज की मदद करना। जब समाज में इन्फ्लेशन हो जाए तो RBI का बहुत बड़ा रोल होता है उसको कम करने का, जब समाज में डिफ्लेशन हो जाए तो RBI का बहुत बड़ा रोल होता है उसको न्यूट्रल करने का। तो ये समाज के लिए काम करता है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है ये पक्का बनिया होता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है। कैसे?
आइए बात करते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स का। तो मैं आपको बताऊं, पहले हमें कमर्शियल बैंक्स का ढेर सारा जो भी फंक्शंस है उसको पढ़ना था, लेकिन अभी सिलेबस से उसको कट कर दिया गया है। केवल एक फंक्शन को रखा गया है कमर्शियल बैंक्स का, जो मैं आपको बताऊंगा, अबाउट क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि कमर्शियल बैंक्स जो प्रॉफिट अर्न करता है, जैसे आपको मैंने बताया था बैंकिंग फंक्शन का नियम क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उसको लेंड करना एज अ लोन। 100 रुपया आपसे लिया, 100 रुपया लोन दे दिया, तो फायदा कैसे होता है उसको। आइए समझते हैं कमर्शियल बैंक को फायदा कैसे होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे 3 सेक्टर बना रहा हूं। एक हो गया हाउस होल्ड, एक हो गया बैंक्स, बीच में रखता हूं बैंक्स को और ये रखता हूं मैं फर्म्स को। ठीक है, अब देखो कि हाउस होल्ड, हम आप सारे लोग जो फैमिलीज है हमारा, हम लोग जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सपोज मैंने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया बैंक में, आपको पता है बैंक इस पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 3.75 to 4। तो मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए 4% लेके चलता हूं। तो अगर 4% बैंक इस पे मुझे इंटरेस्ट दे रही है, तो मेरे लिए ये कितना कितना रुपया हो गया, 40 रुपया हो जाता है 4%, यानी सॉरी 400 रुपया हो जाता है 4%। ठीक है ना, 10,000 पे मुझे कितना रुपया मिल गया, 400 रुपया मिल गया। अब जब इसी पैसे को बैंक एज अ लोन बांटती है, मान लो फर्म्स को वो लोन दे रही है, ये 10,000 रुपया बैंक ने फर्म को एज अ लोन दे दिया, तो वैसे पूरा पैसा वो लोन में देती नहीं है, 10,000 है तो कुछ अपने पास रख लेती है ताकि बाद में जब हम डिमांड करें तो वो मुझे दे पाए। तो मैं उस पे आऊंगा बाद में, लेकिन एग्जांपल को सिंपल करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि 10,000 रुपया जो हाउस होल्ड ने यहां डिपॉजिट किया, बैंक ने वो पूरा 10,000 फर्म्स को दे दिया एज अ लोन। अब फर्म से वो इंटरेस्ट लेता है, सपोज करो 12%, तो इसका 12% निकालोगे तो 1200 रुपया आएगा। तो देखो, उसी पैसे से उसने, उसका खर्चा हुआ 400, लेकिन उसका कमाई कितना हुआ, 1200, तो अल्टीमेट प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 800। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करती है। हमारे डिपॉजिट्स पे वो इंटरेस्ट रेट कम रखती है, लेकिन जब उसी पैसे को वो एज अ लोन बांटती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट हाई रखती है। अंडरस्टैंड, इस तरह से कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट मोटिव को पूरा करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आप पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक का, ये श्योर रहो कि एग्जाम में आएगा, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मनी क्रिएशन। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे क्रेडिट क्रिएशन। ये किसका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं मनी क्रिएशन। तो आओ बाबू समझते हैं कि ये मनी क्रिएशन होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज है। देखो, सपोज करो कि ये मिस्टर ए है, ये पंजाब नेशनल बैंक है और ये रिलायंस एंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने पंजाब नेशनल बैंक में 5,000 रुपया डिपॉजिट कराया। इस डिपॉजिट को हम इस टॉपिक में नाम देते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ध्यान दो, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, भाई ये जो पैसा है, अब इसी पैसे से वो रिलायंस एंटरप्राइजेस को लोन देगा। रिलायंस एंटरप्राइजेस इज अ फर्म, प्रोड्यूसर फर्म, उसको लोन चाहिए, वो लोन देगा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगा, इस 5,000 रुपए में से कुछ रुपए, सपोज 1,000 रुपया अपने पास रख देगा। क्यों रखेगा, क्योंकि हमने बैंकिंग का फंक्शन पढ़ा है, पेबल ऑन डिमांड, यानी पब्लिक जो पैसा यहां डिपॉजिट किए वो कभी भी पैसा अपना निकाल सकती है, तो बैंक उस थोड़ा बहुत अमाउंट अपने पास वो सुरक्षित रख देता है। और ये जो अमाउंट वो निकाल के रखता है, इसको कौन फिक्स करता है, इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। कौन फिक्स करेगा, आरबीआई। और ये जो अमाउंट 1,000 रुपया मैंने निकाल के रख दिया, अगर तुम देखो इसका 5,000 में से 1,000 निकाला तो ये कितना परसेंट हो गया, 20%। ये जो परसेंटेज है ये फिक्स करता है आरबीआई, और इसको हम लोग कहते हैं LRR, यानी लिक्विड रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं बाबू, LRR यानी लिक्विड रिजर्व रेशियो।
अंडरस्टैंड, विच इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इसको फिक्स करती है। अब देखो 5000 में से इन्होंने क्या किया, 1000 रुपया निकाल दिया, तो रिलायंस एंटरप्राइजेस को वो कितना देगा, 4000 रुपया देगा। समझ रहे हो, ये हर कमर्शियल बैंक का इस तरह से फंक्शंस रन करता है। अब सवाल ये है कि सर क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं, ये एक मैजिक है। क्या मैजिक है, ये जो 5000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट हुआ जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, अभी तुम देखोगे कि इस 5000 रुपए से, इस 5000 रुपए से बैंक क्या करेगा, 25 से 30 हजार तक का लोन दे देगा। बताइए, बैंक के पास है 5000 लेकिन लोन दे दिया 25000, इसे कहते हैं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन का मतलब पैसे से पैसा बनाना। 5000 था लेकिन लोन कितने का दे देगा, 25000 का, तो इसे कहते हैं मनी क्रिएशन। अब ये संभव कैसे है, ये होता कैसे है, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। नाउ सबसे पहले मैंने जो बताया आपको लीगल रिजर्व रेशियो या लिक्विड रिजर्व रेशियो जिसको LRR भी कहते हैं, उसका डेफिनेशन देखो क्या होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बैंक्स टू कीप अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स नोन एज LRR। अपने पास उसको थोड़ा बहुत पैसा हमेशा बचा के रखना पड़ता है, जो कि कौन फिक्स करता है, RBI, अभी मैंने बताया था, उसको LRR कहते हैं, यानी लिक्विड रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व रेशियो। अब आइए समझते हैं मनी क्रिएशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, मनी क्रिएशन मतलब पैसे से पैसे को बनाना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मनी क्रिएशन के लिए दो अजम्पशंस हमेशा जरूरी होता है, दो अजम्पशंस हम लोग करेंगे। ये अजम्पशन करेंगे कि जितना भी कमर्शियल बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, अब ये जितना भी कमर्शियल बैंक्स है सभी को मैं एक यूनिट में एक्यूमुलेट कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि इन द इकोनॉमी देयर इज ओनली वन कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये अज्यूम करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फर्म्स का, प्रोड्यूसर्स का जो भी लेन देन होता है, ठीक है ना, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें कैश की कहीं जगह नहीं है, ऑल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस थ्रू बैंक। यानी अगर वो कुछ गुड्स परचेस करता है तो चेक से परचेस करता है, और अगर वो सेल करता है गुड्स तो उसके बदले वो चेक ही लेता है। यानी परचेस का भी पैसा बैंक से रिलेटेड है, सेल का भी पैसा बैंक से रिलेटेड है, यानी सारा चीज बैंक के इर्द गिर्द घूम रहा है, कैश का यहां कोई लेन देन नहीं है। ये दो अजम्पशंस आपको करना पड़ेगा तो मनी क्रिएशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेज नंबर वन, यहां पे मैं मान रहा हूं कि प्राइमरी डिपॉजिट, सपोज XYZ कोई भी एक आदमी, उसने 1000 रुपया बैंक में जमा किया, ठीक है। मैं लिक्विड रिजर्व रेशियो को 20% मानता हूं, लीगल रिजर्व रेशियो को मैं 20% मानता हूं। RBI ने ये फिक्स किया कि जो भी डिपॉजिट आपके पास आता है उसमें से 20% आप अपने पास रख लो, बिकॉज कभी भी कोई भी आदमी अपना बैंक से पैसा निकाल सकता है, तो उस समय उसको देना पड़ेगा। तो मैंने 1000 रुपए का 20% यानी 200 रुपया यहां पे बैंक में रखवा दिया, तो बाकी जो बचा उसने उसको दे दिया एज अ लोन, लोन दे दिया। अब जरा सोचो, ये फर्म को इतना लोन दे दिया, अब मैंने क्या बोला, फर्म इस पैसे से क्या करेगा, गुड्स परचेस करेगा, और तो गुड्स परचेस करेगा तो कैसे परचेस करेगा, थ्रू अ चेक, और जैसे ही वो चेक काट के देगा वापस ये पैसा बैंक में पहुंच गया ना, तो बैंक से बाहर ये पैसा घूमेगा ही नहीं, ये पैसा वापस बैंक में आ जाएगा। तो ये 800 रुपया वापस बैंक में आ गया, इसी पैसे का वो 800 रुपया देखो वापस बैंक में आ गया, फिर इसका बैंक क्या करेगा, 20% अपने पास रख लेगा, 160, बाकी जो बचा 640 वो एज अ लोन दे देगा। अब ये जो जिस फर्म को वो लोन देगा 640, वो भी इससे कुछ गुड्स खरीदेगा, कुछ एसेट परचेस करेगा, तो एसेट परचेस करेगा, गुड्स खरीदेगा, तो उसका भी वो चेक से पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिक ये 640 फिर से बैंक में पहुंच गया। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक ही बैंक है, सारे बैंक को मिला के मैंने एक ही यूनिट माना है, ठीक है ना, एक ही कमर्शियल बैंक है, तो उसी बैंक के पास वापस ये 640 पहुंच गया, ये 640 पहुंच गया। अब इसका 20% वो रख लेगा 128, ठीक है ना, अब 128 इसमें से माइनस कर दो तो 512 रुपया ये लोन दे दिया। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर 512 फिर इसके पास आएगा, उसका 20% रखेगा, बाकी फिर से लोन दे देगा। अब सवाल ये है कि सर ये तो हम लोग समझ गए कि 1000 रुपए से उसने कितने का अभी तक लोन दे दिया, देखो 800, 640, 512, समझ रहे हो आप, उसके पास है 1000 रुपया
लेकिन उसने 1000 रुपए के बदले कितने का लोन दे दिया, देखो 800, 600, 1400, 1900, लगभग 2000 का लोन वो दे दिया। तो सवाल ये है कि सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो इसका रोक है। तो बिल्कुल है। अब देखो मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कि भैया ये जो है ये कहां पे आके रुकेगा, रुकेगा 5000 पे रुकेगा। अब मैंने ये कैसे निकाला कि ये इसका टोटल जब 5000 होगा तो यहां पे आके ये सिलसिला रुक जाएगा। अगर ये 5000 है तो इसका 20% ये कितना होगा, 1000, और ये लोन कितना दे देगा, 4000। तो मुझे कैसे समझ में आया कि ये सिलसिला यहाँ 5000 में आके रुकेगा, उसमें से वो 1000 रुपए का, 1000 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी 4000 का क्या दे देगा, लोन। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। देखो ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना। तो यहां पे मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है प्राइमरी डिपॉजिट। पीडी का मतलब होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो या लिक्विड रिजर्व रेशियो। तो अगर इसमें मैं निकालू तो प्राइमरी डिपॉजिट हमारा कितना था, 1000 था, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 20%, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1000 इनटू 100 बाय 20, 0 0 कट गया, ये 5, तो 1000 इनटू 5 बाबू कितना आ गया, ये 5000। तो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है कि कैसे और किस स्टेज में आकर के हमें रुकना है, ये अमाउंट कहाँ कितना होगा तब जाके हमको रुकना है। तो अगर 1000 रुपया प्राइमरी डिपॉजिट है तो मैक्सिमम वो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5000, और उस पे मैक्सिमम लोन वो कितना दे पाएगा, 4000। यानी 1000 रुपया अगर डिपॉजिट होता है तो मैक्सिमम लोन वो कितना दे पाएगा, 4000। तो देख रहे हो ना उसी पैसे को कितनी बार घुमा दिया, 1000 रुपया उसके पास आया लेकिन उसने लोन दे दिया 4000 का। तो सोचिए ये कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन, या फिर क्या कहेंगे, क्रेडिट क्रिएशन। अब अगली वीडियो में मैं आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगा, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है।